नमस्कार, SDF लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। अपनी कार्यशैली के कारण बिहार पुलिस कभी कभी शासन प्रशासन का इस कदर भद्द पिटवा देती है कि वरीय अधिकारियों के लिए माकूल जवाब तक देना मुश्किल हो जाता है। स्थिति यह हो जाती है कि अपना अपना दामन बचाने के लिए पदाधिकारी एक दूसरे के मत्थे पर दोष मढ़ने तो लगते हैं, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं। हालांकि कहा यह भी जा सकता है कि जिस सूबे में मुर्दे के विरुद्ध वारंट जारी हो जाता हो, वहां महज हेलमेट नहीं पहनने के जुर्म में अगर 1,00,000 का चालान काट भी दिया गया तो शायद आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। गलती किनकी है और इसके एवज में सजा किन्हें मिलेगी, इस बहस में अगर हम नहीं भी पड़े तो भी यह जरूर कहा जा सकता है कि ना केवल यह चौंकाने वाला मामला है बल्कि पुलिस पदाधिकारियों के लिए एक सीख का भी विषय है। दरअसल भागलपुर जिले में अब ऑनलाइन चालान की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और लगभग सभी चेक पोस्ट पर डिजिटल मशीन से भी चालान काटा जा रहा है। ऐसे में पुलिस के अतरंगी कारनामे भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जिले के नौगछिया अंतर्गत कदवा चेक पोस्ट से सामने आया है, जहां एक बाइक सवार युवक के नाम हेलमेट नहीं पहनने के जुर्म में 1,00,000 रुपए का चालान काट दिया गया। इस तरह का मामला सामने आने के बाद जब पीड़ित युवक रजाबुल से बात की गई तो उसने बताया कि मेरा घर मधेपुरा जिले के चौसा में पड़ता है, वहां से मैं आवश्यक कार्य को लेकर नौगछिया जा रहा था, तभी कदवा चेक पोस्ट के समीप वाहन की चेकिंग कर रहे एक साहब ने बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने का आरोप लगाकर चालान काट दिया। उचित जुर्माने की बात करें तो 1,000 रुपए का चालान कटना चाहिए था, लेकिन मेरा 1,00,000 का चालान काट दिया गया। अब इसको लेकर कभी भागलपुर के DTO ऑफिस तो कभी चेक पोस्ट का चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बात अलग है कि कदवा के थानेदार रणधीर कुमार सिंह ने कहा है कि इसमें जल्द ही सुधार करवा लिया जाएगा। कदवा के थानेदार ने वरीय पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी के माध्यम से जानकारी देते हुए टेक्निकल इशू की वजह से ऐसी गलती होने की बात भी कही है। हालांकि उन्होंने कहा कि अब सुधार तो कंट्रोल रूम से ही हो सकता है, जल्द से जल्द इसमें सुधार करवाया जाएगा। हास्यास्पद स्थिति यह है कि ट्रैफिक के एक अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मशीन में पहले से ही बनाए गए कॉलम में जुर्माने की राशि भरी रहती है। सबसे पहले 1,00,000 का ही कॉलम है, अगर गलती से उस कॉलम के बटन को दबा दिया गया तो चालान उतना का ही चला जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि अगर ऐसी गलती हो जाती है तो प्रशासन सुधार करेगी, अगर वह सुधार नहीं करती है तो काटने वाले को जेब से जुर्माना भरना होगा। इधर DTO जनार्दन कुमार से जब इस मैटर पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि हमसे गलती होगी तो हम सुधार करेंगे, ये ट्रैफिक पुलिस की गलती है तो वहीं से सुधार होगा, हम इस पर कोई बयान नहीं देंगे। बहरहाल इस तरह की गलती के लिए जिम्मेदारी का चादर ओढ़ेंगे कौन, और गलत चालान में सुधार कराने के लिए भटक रहे बाइक चालक की समस्याओं का निदान करेंगे कौन, यह सवाल चर्चा के केंद्र में है। पीड़ित बाइक चालक रजाबुल अपनी व्यथा कथा तो सबको सुना रहे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। SDF न्यूज ब्यूरो भागलपुर, धन्यवाद। सर, हम जा रहे थे इमरजेंसी में नौगछिया, उसके बाद हेलमेट नहीं था, यही चालान के लिए पेपर मंगाए, पेपर घर पे भूल गए थे। पेपर जो है मंगाए तो एक पेज देख लिया, उसके बाद फिर भी बोला कि चालान काट दो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा तीसरा पेज ये देखा ही नहीं मैडम, वो चालान कर दिया 1,00,000 का। 1,00,000 का जी, 1,00,000 का चालान कर दिया। ये हेलमेट नहीं था, हेलमेट पेपर घर पे भूल गया था, इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी का साथ में, ठीक है, लाइसेंस नहीं था ड्राइवर। 1,00,000 रुपये चलान जी, 1,00,000 का चलान कट दिया। कहाँ घर हुआ आपका? चंदा। क्या कहाँ रहे थे आप? नौगछिया जा रहे थे सर, इमरजेंसी में। अभी क्या हुआ है? अभी जब मधेपुरा गए थे बोले थे कि DTO ऑफिस से बात करने के लिए, मधेपुरा में फिर बोला कि वहाँ जाओ कैंप पे जहाँ चालान हुआ है काटा है, वहाँ से चालान एक तो ये बना के देगा आवेदन, वो भागलपुर DTO ऑफिस में देना है। तो वहाँ पे जब गए तो एक फॉर्म दिया निकाल के, बोला फिर कि जाओ कैंप पे जहाँ पे चालान कटा है, वहाँ पे वो खुद ही फॉर्म भर के वो SP साहब के पास जमा करेगा, उसके बाद उसका जहाँ लॉगिन ID होगा वहाँ पे जमा करेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रजाबुल। क्या